बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम है आमिर हुसैन मुगल और ये ख़ास पैगाम तमाम बी फोर यू के मेंबर्स और कंपनी के लिए आमिर हुसैन मुगल की तरफ से कि 2017 में मैंने सिस्टम का आगाज़ किया पाकिस्तान में बी फोर यू ग्रुप ऑफ कंपनीज का, जिसके आनर सैफ रहमान साहब हैं। और 2017 से स्टिल 2021 तीन चार साल 5 साल तक वर्क किया। और 2017 में स्टार्टिंग में कंपनी ने मुझे एक एजाजी रैंक दिया था, जिस रैंक का नाम था एशिया मैनेजर। और एशिया मैनेजर जैसे बार बार डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों के साथ, ये एक एजाजी रैंक है जिसकी कोई सैलरी या कोई और बेनिफिट TA-DA वगैरह आपको नहीं मिलता। उसमें बहुत सारी कुछ ऐसी कमिटमेंट थी सिस्टम के साथ, थी जो सिस्टम के साथ चलती रहीं। और आज क्योंकि जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसकी खास वजह यह है कि बहुत से लोगों को इस चीज़ की बार बार समझाने के बावजूद समझ नहीं आती। वो समझते हैं कि शायद ये कंपनी के पार्टनर हैं, क्योंकि आज भी मुझे बहुत सारी इस तरह की चीज़ें मौसूल हो रही थी कि आप शायद कंपनी के पार्टनर हैं या कंपनी का आपका हिस्सा है। तो मैं उनको भी अगेन क्लियर कर दूँ कि कंपनी के ना मैं पार्टनर हूँ, ना कंपनी की कोई परसेंटेज, ना कोई शेयरिंग है उसकी मेरे साथ। मैं जस्ट एज अ नेटवर्कर, एज अ इन्वेस्टर हूँ, जिस तरह आप तमाम लोग इस सिस्टम का हिस्सा हैं। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे शेयर करने का मकसद ये है कि आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं अपना एशिया मैनेजर का जो एजाजी रैंक है वो अपने सिस्टम को वापस करता हूँ सैफ रहमान साहब को। और उसके बाद जो काफ़ी लोग सवाल पूछेंगे तो वो भी मैं साथ ही क्लियर कर देता हूँ कि क्या आमिर भाई आप बी फोर यू छोड़ चुके हैं? तो ऐसा नहीं है। उसकी वजह क्या है कि एक एजाजी रैंक है, और एजाजी रैंक या आपका जो, चाहे आपको उसके बेनिफिट भी मिल रहे हों अलग से, तो वो रैंक भी, रैंक एक अलग हैसियत होती है और आप एक सिस्टम के अंदर आपकी अपनी एक अलग हैसियत है। तो मेरी टीम है, मेरे मेंबर्स हैं, मेरे लोग हैं, तो मैं सिस्टम के अंदर मौजूद हूँ, बिल्कुल मौजूद हूँ। जस्ट जो एजाजी रैंक है एज ए एशिया मैनेजर का, आज के बाद मेरे से कोई ताल्लक नहीं है। कंपनी जिसको चाहे ये रैंक दे सकती है, क्योंकि कंपनी के पास ये वापस अलग है। उसके बाद इट्स अप टू कंपनी के वो किसको इस रैंक से नवाजना चाहती है या नवाजना नहीं चाहती, ये कंपनी की मर्ज़ी है। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने सिस्टम छोड़ दिया है। सिस्टम इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे। अगर सिस्टम ने हमें ना छोड़ दिया तो अल्लाह पाक खैर करेगा। आप तमाम दोस्त दुआ में याद रखें, और बहुत सारे लोग बहुत सारी दुआएं करते हैं, उन तमाम दोस्तों के लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं मेरी आपके साथ।